जनाब यूसुफ साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया जो वक्त की नज़ाकत से बहुत अहम सवाल है, और कई मुसलमानों ही नहीं बल्कि सैकड़ों ज़हन रखने वालों में और इंटेलेक्चुअल्स में भी ये सवाल घूम रहा है कि मुस्तकबिल में मुसलमानों का हिंदुस्तान में क्या हालात होंगे। ख़ासतौर पे जो NRIs जो हैदराबाद के हैं, जो सऊदी अरब में हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वगैरह में जो रिश्तेदार हैं उनके, काफ़ी मुतफक्किर है मुल्क के हालात को लेकर। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैर इस्तेहकाम हालात जो मुसलमानों के साथ पैदा हो रहे हैं, जो 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से मुसलसल फसादात का सिलसिला जारी रहा। सूरत के अंदर फसाद हुआ, बम्बई के अंदर फसाद हुआ, बम ब्लास्ट के बाद मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हुई, फिर टाडा जैसे कानून में गिरफ्तारियाँ हुई, पोटा कानून बनाया गया, फिर PDAct कानून बनाया गया, फिर UPA कानून बनाया गया, UAPA कानून बनाया गया। इस तरीके से एक तरफ फसादात के ज़रिए, दूसरी तरफ नौजवानों को, ख़ासतौर पर तालीम याफ्ता नौजवानों को टारगेट बनाते हुए मुकदमा दायर करते हुए इनको जेलों में रखा जा रहा है। दिल्ली के नजीब का आज तक भी पता नहीं चला। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो इसके मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात इस मुल्क में हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात इस मुल्क में हुए हैं, जहाँ मॉब लिंचिंग के नाम पर कई लोगों का कत्ल किया गया। फिर उसके बाद CAA NRC का हुआ, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि गावकशी के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, फिर आर्टिकल 370 का रहा, तीन तलाक का मसला रहा, फिर नॉर्थ में जो इंतखाबात उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, एक पूरे मुल्क के अंदर एक डर खौफ का माहौल रहा, चूँकि उत्तर प्रदेश में 80 MPs हैं, जहाँ मुल्क हिंदुस्तान में वो मरकज़ी हुकूमत बनती है, वहाँ का दारोमदार उत्तर प्रदेश की MPs पे होता है, तो उसमें बहुत बड़ा नज़र रख के फोकस किए हुए थे लोग। वहाँ के नतायज जो आए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुलमुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बायस्ट रसूलुद्दीन अवेसी साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और एक मकाम क़ियादत और वहाँ पर पैदा करने की कोशिश की, और 94 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, और यकीनन कई जगह पर मुकाबला भी किया गया और अच्छे नतायज भी हासिल इस तरीके से हुए कि वोट हासिल किए और हमारा एक वोट बैंक वहाँ पर बना, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ये अलग बात है। 2017 में भी 38 सीटों पर लड़ा गया, कोशिश की गई। मैं काउंटर सवाल है खान साहब, कामयाबी क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है कि कामयाबी क्यों नहीं हुई। देखिए, माहौल जिस किस्म का वहाँ बनाया गया था और वहाँ के मुसलमानों में जिस तरीके से आपसी इख्तलाफात है, सैफी के नाम पर, चौधरी के नाम पर, उस किस्म से जो इख्तलाफात है उसको दूर करने की ज़रूरत है। मुसलमानों ने वहाँ पर एकजुट होकर जमात का साथ नहीं दिया, ये हकीकत है, क्योंकि मुसलमान वहाँ का बटा हुआ है, कोई समाजवादी की तरफ है, कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, किसी का कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा, तो ऐसे हालात में उस मुकाम पर कम अरसे के अंदर मुकाम बनाना या कुछ कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक शायर ने बहुत अच्छा कहा था कि हम तुमसे बड़े नहीं हैं, लेकिन ये बहुत है कि तुम्हारे साथ खड़े हैं। माफ़ करना कि हम ये नहीं कहते कि तुमसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मजलिस इत्तेहादुलमुस्लिमीन नेशनल पार्टियों के साथ मुकाबला की है, जैसे कि सदर मजलिस ने किया कि हम मायूस नहीं होंगे, चाहे हम इल्ज़ामात लगाए जाएं, ए टीम कहा जाए, बी टीम कहा जाए, या किसके लिए काम कर रहे हैं कहा जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इल्ज़ाम तराशियाँ, बोहतान तराशियाँ मजलिस इत्तेहादुलमुस्लिमीन के लिए कोई नई बात नहीं रही है, हर दौर में होता रहा है, लेकिन इसको हम लेकर अगर खामोश हो जाएँ तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मायम के 4 MLA भी जो बिहार से, जो गालिबन आप खुद भी वहाँ पे गए थे, हमने देखा, लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह बनी। देखिए, सियासत में कोई नई बात नहीं है कि दल बदलू जो कानून बनाया गया था, इसी वजह से बना गया था कि सियासी जमातों में कुछ लोग सरवाइव नहीं हो सकते हैं और कुछ लोग अपने मफाद के लिए भी कुछ सियासी जमातें तब्दील करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बिहार के मुसलमानों के साथ जो उन्होंने अहतमाद करते हुए, उम्मीदें लगाते हुए, इस खास तौर पर सीमा अंचल का मुसलमान जो अपनी गुरबत, अपनी बेरोज़गारी, अपने बेघरी वगैरह को लेकर मुतफक्किर था, उसको सदर मजलिस ने एक पैगाम दिया कि हमारे हम तुम्हारे अंदर क़ियादत पैदा करेंगे जो तुम्हारे इन मसाइल को हल करेगी, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया है और मुसलमानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और दूसरी जमात में शिरकत की है। ऐसी कोई बात नहीं है, मजलिस तालमुसीम आप ये मुस्तकबिल में मेहनत करेगी इंशाल्लाह। सर खान साहब, एक आपके लिए काउंटर सवाल है कि देखिए, उसी वक्त 4 MLA जब छोड़कर RGD में गए तो महाराष्ट्र की भी वहाँ पे भी दल बदला, तो इस दोनों का क्या इंटेंशन है, उस पर कुछ बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र का सिनेरियो अलग है, वहाँ पर महाराष्ट्र मराठवाड़ के नाम पर वहाँ पर जो एकता शिंदे हैं वो बाल ठाकरे साहब के पैरों हैं, उनके फॉलोवर रहे हैं,
और उदय ठाकरे जो है उनके फर्जंद हैं, तो कुछ शिवसेना की पॉलिसियों में उन्होंने नरमी अख्तियार की, इस बात से इनकार नहीं है। जिस कांग्रेस की बाल ठाकरे उम्र भर जिंदगी तमाम मुखालिफत करते रहे उससे इन्होंने अलाउंस किया, जिस शरद पवार एनसीपी की राज ठाकरे बाल ठाकरे ने मुखालिफत की उससे उदय ठाकरे ने उनसे इत्तेहाद किया, तो एक नज़रियाती इख्तलाफ है कि उन्होंने आइडियालॉजी को बदला है। तो इन लोगों का यही, एकनाथ शिंदे का यही कहना था कि उन्होंने अपने मकसद से हट चुके हैं, जो इस मकसद पे शिवसेना कायम थी और कायम रही है उससे हटकर ये काम कर रहे हैं, उसमें वो उन्होंने इख्तलाफ किया। और इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा दखल है इस पार्टी को तोड़ने में, कमज़ोर करने में महाराष्ट्र के अंदर, जैसा दीगर रियासतों के अंदर, 9 रियासतों के अंदर बीजेपी ने ये काम किया है कि वहाँ की जो सेकुलर हुकूमतें, नॉन बीजेपी हुकूमतें, उनको तोड़ा है। उसी का ये भी एक सिलसिला है।